NBN National Breaking News, सच्चाई का साथी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे में RPF के फॉर्म में पदों और फॉर्म सबमिट करने वाली वेबसाइट की डिटेल इसमें देंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और इससे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आने वाली घंटी को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण पदों व सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। रेलवे में RPF पद के लिए निकली 19,952 बम्पर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं और भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। भारतीय रेलवे ने मैट्रिकुलेशन पास युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के 19,952 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2017 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिकी योग्यता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF आरक्षक पद के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। पद का नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल। रिक्त पदों की संख्या 19,952। रिक्त पदों की संख्या वर्गवार इस प्रकार है: जनरल के लिए 8,901 पद, अनुसूचित जाति के 3,317 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3,363 पद, जबकि OBC के 4,371 पद हैं। आयु सीमा: इस सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। वेतनमान: इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 5,200 सेकंड 20,200 और ग्रेड पे 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख: इन नौकरी के लिए उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2017 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया: RPF में भर्ती के लिए उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर होगा। ऐसे होगी परीक्षा। RPF कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 120 अंकों की होगी, जिसमें वैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। इस पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में सवाल मैट्रिक लेवल के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35, अर्थमेटिक के 35 और जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें कि परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट दे सकेंगे। आवेदन ऐसे करें: रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन के लिए भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करें। इसके बाद उम्मीदवार यहां से ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें। इसके बाद उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ व अन्य प्रमाण पत्र के संलग्न कर आवेदन करें। RPF की अन्य किसी जानकारी और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण पदों व सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों, भाइयों और रिलेशन में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी आपका आभार व्यक्त करें और नौकरी पाकर देश को उन्नत बनाए। अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाए गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा, पर घंटी जरूर दबाई। और दिखाई गई अन्य ये 3 वीडियो में कोई भी देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी और आपके काम की है। प्लीज क्लिक और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।